अरे यार, मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो रही है। अभी फ़ोन करता हूँ मेरे भाई को। हाँ हेलो भाई। हाँ बोलो ना भाई, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही थी, उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? मोबाइल लिया था आपने? हाँ भाई, मैंने 6 महीने पहले मोबाइल लिया था और उसकी काफ़ी ज़्यादा बैटरी डाउन हो रही है, उसका कोई सॉल्यूशन है क्या भाई? सॉल्यूशन है ना, बैटरी बदलनी पड़ेगी। बैटरी नहीं ना बदल सकता, मैंने अभी अभी मोबाइल लिया है, सॉल्यूशन नहीं है ना सॉल्यूशन? हाँ यूट्यूब चैनल पे। ठीक कौन सा चैनल भाई? टेक्निकल है टेक्निकल चैनल। चैनल? हाँ ठीक है अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। हाँ सॉल्यूशन हो जाएगा ना। ओके ओके भाई, थैंक यू। हाँ अभी टेक्निकल भाई का वीडियो देखना पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों, क्या आपके भी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल की बैटरी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्या करना होगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि दोस्तों आप भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने मोबाइल की बैटरी को बढ़ा सकते हैं, साथ में आपके मोबाइल की जो बैटरी ख़त्म हो रही है उसका सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको करूंगा एक रिक्वेस्ट, आप हमारे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई भी कंपनी का मोबाइल है तो भी आप कर सकते हैं। मेरे पास है वीवो का Y21, आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है उस तरीके से आपको सेटिंग करना है, जो मैं आपको बताऊंगा। आइए मोबाइल के स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख पाएंगे मेरे पास मोबाइल है और इस मोबाइल में एक सेटिंग करना है जो कि आपके मोबाइल में करना है। तो आइए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करके मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको आना है सेटिंग पे, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आएंगे नोटिफिकेशन, यहाँ पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है मेरे पास तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ऐप सेटिंग पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर ऐप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे मेरे एप्लीकेशन यहाँ पर शो किए गए हैं, लेकिन अभी आपको करना क्या है, ये ऑल एप्लीकेशन अभी बैकग्राउंड में चालू है। दोस्तों जब भी मैं मोबाइल को क्लोज करूँगा तो भी मेरे बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलते रहेंगे, इसकी वजह से मेरा मोबाइल है काफ़ी ज़्यादा हैंग भी होता है और साथ में मेरे मोबाइल की बैटरी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। इसलिए आपको करना क्या है, इस सेटिंग को ऑन करना है, इसको आपको ऑल को आपको ऑफ करना है। जो जो आपको लगता है कि ये हमारे काम की नहीं है तो इसे आप ऑफ़ कीजिए। इस तरीके से आप पूरे एप्लीकेशन को ऑफ कर सकते हैं, आपके कुछ काम की नहीं है तो आप उसे ऑफ कीजिए और जो भी आपके काम के इसे ऑन रखिए, ताकि आपके बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन वर्क ना करे। जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप क्लोज करोगे तो आपका बैकग्राउंड में चालू होती है एप्लीकेशन, वो चालू नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप इसे ऑफ कीजिए तो आपके बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन यहाँ पे चालू नहीं रहेगा, जो बैटरी ख़त्म होने का प्रॉब्लम है वो इशू ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बैटरी बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपके बैटरी की लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपका मोबाइल भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क करने लगेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आपको कोई इशू आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।